आप मानोगे अगर मैं कहूं कि गौतम बुद्ध आज भी जिंदा है। देखो ये तो सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा के दिन एनलाइटमेंट यानी अपनी क्षमता का ज्ञान पूरी तरह हो गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि मरने से पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 2500 वर्षों के बाद फिर से जन्म लूंगा। तो जब ये वक्त आने वाला था एक थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई गई जो धर्म को आधुनिक दुनिया में बचाने का काम करेगी। जब इस अवतार की खोज में इस सोसाइटी के मेंबर मद्रास गए तो उनकी नजर एक सिंपल से लड़के पर पड़ती है जिससे जब पूछा गया कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए तो उसका आंसर था नथिंग। अब ये नथिंग वही नथिंग है जिसका अर्थ बुद्ध समझते थे, यानी कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं, ये दुनिया मेरी ही है। इससे सोसाइटी वाले समझ गए कि यही इंसान है जिसके अंदर बुद्ध अवतरित होंगे। उस लड़के को एक पेड़ से लगाकर बैठा दिया गया और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ठीक रात 12 बजे उसकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है और जिस भी सोसाइटी के मेंबर ने उस एक्सपेरिमेंट को अपनी आंखों से देखा था वो ऐसा मानते हैं कि बुद्ध का जन्म उस दिन फिर से हुआ था। अगर यकीन नहीं है तो गूगल पर सर्च करने से पहले नाम तो सुनते जाओ, जय कृष्णमूर्ति। अब जाओ और ये वीडियो सबको शेयर करके बताओ।